उड़ने वाली चुड़ैल। अमनपुर नाम के गांव में चंगू मंगू नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। रोज की ही तरह आज भी दोनों एक साथ अपने खेत की ओर जा रहे होते हैं। अरे यार मंगू, मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है, बता क्या लगता है तुझे, इस बार फसल हो पाएगी? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगी भाई, मेरे पास तो फर्टिलिक्स है, मैं शहर से लाया हूँ। ओ खाद तो, अरे वो तो हमारे पास भी है। सब गुड़ गोबर कर देता है तू, ये शहर में मिलता है, अरे तू कहाँ से पाएगा, बहुत महंगा मिलता है ये। दिखा दी ना अपनी औकात मंगू, आखिर हमारे बीच पैसा आ ही गया। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा दोस्त जो हमेशा मुझे नीचे दिखाना चाहता है। अरे चंगू, पर मैंने कब तुझे नीचे दिखाया, अरे मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। गांव के बीचों बीच दोनों बुरी तरह लड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर में बोला चाली हाथापाई में बदल जाती है। गांव के कुछ लोग आकर उन्हें छुड़वाते हैं और अपने अपने काम पर जाने को कहते हैं। शाम को मंगू तो अपने घर लौट आता है, पर चंगू नहीं आता। अभी तक ये घर नहीं आए, इतनी देर तो ये कभी नहीं करते, भगवान ना करे इन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। मंगू भाई साहब के घर जाकर पता करती हूँ। रास्ते में ही उसे सुबह चंगू मंगू के बीच हुए झगड़े के बारे में पता चलता है। मतलब मंगू भाई साहब ने ही किया है ये सब, ऐसा बदला लिया कि मेरे सुहाग को ही गायब कर दिया। विमला गुस्से में सोनम के पास जाती है और कहती है, कहाँ है सोनम, बाहर निकल, बता मेरे चंगू जी कहाँ है, क्या किया है आप लोगों ने उनके साथ। तभी उन सबके सामने अपने हाथ में चंगू को उठाए एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती। मरोगे सब मरोगे, छोड़ूंगी ना ही मैं किसी को, कोई नहीं बचेगा। कौन कौन हो तुम, छोड़ दो मेरे पति को। मैं हूँ उड़ने वाली चुड़ैल। सबकी आंखों के सामने वो चुड़ैल चंगू को उड़ाकर ले जाती है। बचाओ बचाओ, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। उसी रात से गांव में उड़ने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगता है। अगली सुबह केसारी लोटा लिए खेत की तरफ जा रहा होता है, तभी चुड़ैल उड़ती हुई आती है और उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है। अरे चुड़ैलिया मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे चुड़ैलिया, अरे चाहिए तो मेरा ये लोटा ले ले। तेरे लोटे का मैं क्या करूंगी, मुझे जो तेरी चरबी चाहिए ये चरबी। चुड़ैल चंगू की तरह ही केसारी को गांव के बीचों बीच हवा में घुमाती हुई गायब हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल का प्रकोप गांव में बढ़ता ही जाता है। आए दिन कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता। धीरे धीरे कर लोग घर से निकलना भी बंद करने लगते हैं। फिर एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा, अरे कब तक हम लोग घर पर बैठे रहेंगे, अब तो कोई अपने घरों के छत पर भी नहीं जाता। इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे पर हम लोग करेंगे क्या, पीछा करेंगे उस चुड़ैल का, पता तो करना ही होगा कि वो चुड़ैल गांव वालों को कहाँ ले जाती है। पर वो तो अचानक ही कहीं गायब हो जाती है, कहाँ से हम पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ जाती है। गेहूं की एक पोटली तो लाना सोना, ये पोटली ही आज सभी गांव वालों का ठिकाना बताएगी। शाम को मंगू जानबूझकर हाथ में एक गेहूं की पोटली लेकर गांव के चौराहे से गुजरता है। उसे देखते ही चुड़ैल उसे उठा ले जाती है। फंस ही गया, चुड़ैल के जाल में फंस गया। फंसी तो तू है चुड़ैल मंगू के जाल में। हमेशा की तरह चुड़ैल गांव के बीचों बीच उड़कर मंगू को लेकर गायब हो जाती है। चुड़ैल के अदृश्य होते ही मंगू अपनी पोटली से गेहूं के दाने नीचे डालना शुरू कर देता है। दानों का पीछा करते हुए सभी गांव वाले एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं।
एक ऐसी दुनिया जहाँ हर तरफ इंसान की शक्ल की सब्जियाँ थी। अतः कौनो नया गांव मालूम पड़ता है। अरे भैया वो देखिए हमारे चंगू जी पेड़ पर आधे टमाटर बनकर लटक रहे हैं। अरे कुछ कीजिए उनको बचाइए ना। अरे वो देखो भिंडी केसारी ही लागत है, मतलब उड़ने वाली चुड़ैल सभी को सब्जी में बदल देती है, मतलब ये सभी सब्जियां इंसान ही हैं। इन लोगों को हम बचाए तो बचाए कैसे। तभी पेड़ पर लगा एक टमाटर कहता है, इस गांव को श्राप है कि अगर किसी ने एक भी सब्जी तोड़ी तो सभी की सभी सब्जियां इंसान में बदल जाएंगी, पर चुड़ैल के रहते कोई सब्जी को छू भी नहीं सकता। अरे वो आती ही होगी, तुम लोग भी कहीं छुप जाओ, जाओ जल्दी। ये सारी बातें मंगू सुन लेता है, वो चालाक तो था ही। वो चुड़ैल से कहता है, जो मर्जी तुम्हारी, वो सब्जी मुझे बना दो, मगर बाहर धूप में जो सब्जियां सड़कर टूट गई तो। मेरी सब्जियां टूट नहीं सकती, उन्हें ताजा रहना होगा। तो किसी को सब्जियों को पानी देने के लिए क्यों नहीं रख लेती। हाँ, ये सही रहेगा, पर ये काम करेगा कौन। हाँ वैसे तो मुझे मटर बनना था, पर ये काम भी चलेगा। जाओ चुड़ैल, तुम आराम करो, तब तक मैं सब्जियों को पानी दे आता हूँ। मंगू बाहर जाता है और सब्जियों को पानी देने के बहाने एक सब्जी तोड़ लेता है। जैसे ही वो सब्जी तोड़ता है, जादुई नगरी खत्म हो जाती है, सभी सब्जियां इंसानों में बदल जाती है। तभी वहाँ भागती हुई एक खूबसूरत लड़की आती है। मैं एक श्रापित राजकुमारी थी, जब तक कोई छुपकर सब्जी नहीं तोड़ता मैं आजाद नहीं हो सकती थी। तो मुझे बताओ, तुमने कभी किसी को सब्जी तोड़ने क्यों नहीं दी। ये श्राप था ही ऐसा, मुझे सभी को सब्जी तोड़ने से रोकना था, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं था। श्राप ने मेरी बुद्धि ले ली थी, पर आज जब मंगू ने हिम्मत दिखाई और सब्जी तोड़ी तो सभी के साथ मैं भी मुक्त हो गई। मंगू की समझदारी सभी को बचा लेती है। सभी लोग वापस गांव आ जाते हैं। चंगू मंगू फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं।